हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टुडे वी आर स्टार्ट चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें क्लियर हो जाना चाहिए वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट के बारे में। तो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वेरिएबल्स एंड हेयर कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स। वेरिएबल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट्स ए बी सी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड। वी नो दैट टोटल 26 अल्फाबेट्स हेयर, ए बी सी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड। तो वेरिएबल्स को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉन्स्टेंट को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 5-5, 2-2 एंड एटसेट्रा, ये कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट को पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 3 इक्वल टू a, हियर 5x प्लस 3 इक्वल टू a। वी नो दैट LHS एंड RHS, अगर हमारे पास कोई इक्वल का साइन है जैसे ये, तो ये वाला जो साइड होगी हमारे पास वो क्या होगी? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये वाली जो साइड है वो कौन सी होगी? राइट हैंड साइड, इट मीन्स RHS। अब मोस्टली LHS में हम वेरिएबल्स को रखते हैं। LHS में हम कौन से पार्ट को रखते हैं? मोस्टली वेरिएबल्स को, और RHS में मोस्टली हम कॉन्स्टेंट को रखते हैं। अगर आपके पास LHS में कोई भी कॉन्स्टेंट नजर आए तो उसको ट्रांसफर कर देंगे RHS में, या फिर RHS में कोई भी वेरिएबल नजर आए तो उसको ट्रांसफर करेंगे। लेकिन याद रहे, ट्रांसफर करने पर उसके साइन चेंज हो जाते हैं, वैल्यूज प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो ये इक्वल का साइन हो गया, इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड। अब यार 3 क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 5x इक्वल टू 8 प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 8-3। 5x इक्वल टू 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5। अब देखिए x के मल्टीप्लाई में एक नंबर कॉन्स्टेंट और नजर आ रहा है आपको 5, ये मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, किसमें पहुंच जाएगा? डिवाइड में, x इक्वल टू 5, ये डिवाइड में आ जाएगा 5 अपॉन 5, 1, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हियर वेरिएबल x एंड जो वेरिएबल x है उसकी पावर कितनी है? 1, इट मींस लीनियर। एंड LHS एंड RHS पार्ट्स हियर, इट मींस इक्वेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो आप हमारे पास वेरिएबल हो उसकी जो पावर है ऑलवेज क्या होनी चाहिए? 1, इट मीन्स लीनियर x इक्वल टू 1। अब जो जनरल फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन की उसको राइट कर देते हैं, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। तो कंडीशन यहां पर होगी a नॉट इक्वल टू सी, a जीरो नहीं होना। तो ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है हमारे पास। वेरिएबल आपको नजर आ रहा है x, इसकी पावर कितनी है? 1, इट मीन्स लीनियर। एंड LHS पार्ट एंड RHS पार्ट कॉन्स्टेंट टर्म्स भी है, तो इट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म ये है, ax प्लस बी इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू 0। एक अनदर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, 8x
माइनस 3 इक्वल टू 30. हेयर दिस इज LHS पार्ट एंड दिस इज RHS पार्ट. अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल है, जनरल फॉर्म से मैच हो रहा है. AX 8X, वैल्यू ऑफ B माइनस 3 एंड वैल्यू ऑफ C 30. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका अपने पास. 8x इक्वल टू माइनस का 3 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस 3, 13 प्लस 3 16. अब जो चीज मल्टीप्लाई वो इसमें चली जाएगी डिवाइड में, 8x के मल्टीप्लाई में RHS में ट्रांसफर करने पर ये डिवाइड में आ जाएगा. इट मीन्स x इक्वल टू 16 अपॉन 8. अब 16 में 8 का डिवाइड जा सकता है, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16. द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2. तो यहां पर जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, दैट इज आंसर. अब जो हमारे पास दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, वेरिएबल की वैल्यू आई है, इसे ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं. इट मींस फर्स्ट जो हमारे एग्जांपल है 5x plus 3 equal to 8, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x equal to 1. एंड सेकंड एग्जांपल 8x minus 3 equal to 13, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x equal to 2. तो जो वेरिएबल इट मींस x की जो वैल्यू, अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है गिवन इक्वेशन में, किसी भी अल्फाबेट में वेरिएबल हो सकता है. तो उस वेरिएबल की जो वैल्यूज फाइंड करते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन. इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फर्स्ट पार्ट, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 7. सेकेंड पार्ट, 6 एक्स इक्वल टू 12. तो वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट पार्ट, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 7. कॉन्स्टेंट पार्ट LHS में आपको नजर आ रहा है, माइनस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का. x इक्वल टू 7 प्लस 2, इट मीन 7 प्लस 2 9, x इक्वल टू 9. देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 आंसर, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन. सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, 6x इक्वल टू 12. अब देखिए 6x के मल्टीप्लाई में RHS में ट्रांसफर करने पर वो किस में आ जाएगा, डिवाइड. हियर x इक्वल टू 12 अपॉन 6. अब 12 में 6 का डिवाइड करेंगे, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, x इक्वल टू 2. द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 आंसर, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन.